हेलो फ्रेंड्स, रूबीज़ कुक बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम, जो बनाना बहुत आसान है और गर्मियों का सीजन है, एक बार बनाना तो बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आधा लीटर दूध को गैस के ऊपर चढ़ा दिया है। इसमें अच्छे से बॉयल आने देंगे और बॉयल आने के बाद इसे मीडियम फ्लेम में पकाते हुए दूध को आधा कर लेंगे। पतला दूध को आइसक्रीम में ऐड करते हैं तो बर्फ़ का क्रिस्टल आ जाएंगे, इसीलिए दूध को गाढ़ा करना जरूरी है। तो देखिए दूध गाढ़ा होने लगा है। तक दूध गाढ़ा हो रहा है तब तक हमने 2 से 3 आम का पल्प को काट कर निकाल लिया है। इसे एक मिक्सी का जार में डाल देंगे। इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क डालेंगे तो आइसक्रीम का क्रीमी टेक्सचर आएगा। उसके बाद मिक्सी का ढक्कन लगा के इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसे हम साइड में रखते हैं। एक कटोरी में 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है, इसमें दूध ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो 1 चम्मच कॉर्न पाउडर आप ऐड कर सकते हैं। इससे आइसक्रीम एकदम स्मूथ बनेगी। तो देखिए इधर दूध गाढ़ा हो गया है तो कस्टर्ड वाली दूध को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। आप फ्लेम एकदम लो रखेंगे। इसको 2 से 3 मिनट लगातार चलाते हुए लो फ्लेम में पकाएंगे। तो देखिए लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट पकाते हुए हो गया है। तो अब हम इसमें मैंगो और कंडेंस मिल्क का जो मिश्रण है उसको ऐड कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए 5 मिनट लो फ्लेम में पकाते रहेंगे। तो देखिए धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जाएगा। ऐसे ही मैंगो और कस्टर्ड पाउडर मिलके गाढ़ा दिख रहा है, पर इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। कितना गाढ़ा करेंगे, जैसा कस्टर्ड हम लोग पकाते हैं उसी तरह का उतना ही गाढ़ा रहेगा। कस्टर्ड पाउडर वाले मिल्क और मैंगो पल्प को डालने के बाद टोटल टाइम 5 से 7 मिनट इसे पकाना है। उतने ही देर में ये गाढ़ा हो जाता है। तो देखिए मीडियम टू लो फ्लेम में चलाते हुए 5-7 मिनट हो गया है और यहाँ पे ये गाढ़ा भी हो गया है। तो आप देख सकते वीडियो में कितना स्मूथ लग रहा है देखने में। वीडियो में आप देख कर पता लगा सकते हैं कितना गाढ़ा है। ठंडा होगा तो थोड़ा गाढ़ा और हो जाएगा। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसे पूरी तरह से ठंडा कर लिया है चलाते हुए और इसे ठंडा करके मिक्सी का जार में डाल लेंगे। उसके बाद अमूल का फ्रेश क्रीम हमने यहाँ पे ऐड किया है। आप यहाँ पे थोड़ा घर का मलाई भी ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा। तो उसके बाद इसको अच्छे से मिक्सी में चला लेंगे। आपके पास व्हिपिंग मशीन है तो उससे भी आप स्मूथ कर सकते हैं। सर में चलाने के वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एयर से भर जाएगा तो आइसक्रीम एकदम हल्का बनेगा। इसे अब हम एक कंटेनर में डाल देंगे। तो देखिए इसे हमने डाल दिया है। इसे स्टील का गिलास में भी जमा सकते हैं। आइसक्रीम के ऊपर बर्फ ना जमे इसके लिए ऊपर से एक एल्युमिनियम फॉइल लगा के रबड़ लगा देंगे। तो आइसक्रीम जब जमेगा तो आइसक्रीम के ऊपर आइस क्रिस्टल नहीं रहेगा। इस तरह से लगाने के बाद 7 से 8 घंटा फ्रीजर में जमने के लिए रख देंगे। देखिए 8 घंटा बाद हम इसको एल्युमिनियम फॉइल को खोल लेंगे और देखिए कितना अच्छा से आइसक्रीम जम गया है। देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, देखते ही मन करेगा खाने को। अब हम इसे एक बोल में सर्व कर लेंगे। तो देखिए 1 चम्मच से कितना स्मूथली निकल रहा है, ये कितना क्रीमी टेक्सचर आया है आप देख के पता कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो देखिए टेस्टी टेस्टी मैंगो आइसक्रीम को हमने बोल में सर्व कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर देंगे। इस तरह से देखिए कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है। अगर आपको मैंगो आइसक्रीम का रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।